हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रमित कोचिंग क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को रेगुलरली देख सके। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर टू, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे इस प्रॉपर्टीज की, इनकी देखेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी हम होल नंबर की देखते हैं, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की होल नंबर की प्रॉपर्टी। सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कैसे, मतलब होल नंबर प्लस होल नंबर। ठीक है, ये एडिशन वाली बता रहा हूं, होल नंबर प्लस होल नंबर क्या होता है, ऑलवेज होल नंबर होता है। कैसे, जैसे के, और एक और मैं बता देता हूं, होल नंबर ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, होल नंबर क्या होता है, ऑलवेज होल नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, यदि यहां पर मैं लिखता हूं कोई एग्जांपल 3 प्लस 5, ठीक है, 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है, 3 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, तो उसका सम भी होल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे यदि 3 मल्टीप्लाई 5 हो तो 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 15 होता है, तो 3 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, तो 15 उसका जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर हुआ। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ये तो थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यहां पर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ठीक है, या फिर a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 5 कितना होता है, या फिर 5 प्लस 3 कितना होता है, दोनों का सम 8 ही होता है। ठीक है, इस एडिशन वाले से बताया। अभी है मल्टीप्लीकेशन, यदि 3 मल्टीप्लाई 5 करूं या फिर 5 मल्टीप्लाई 3 करूं, दोनों का इक्वल कितना होता है, 15 होता है, यहां पर दोनों का एडिशन कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो नंबर्स भले आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम होती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन होती है, यहां पर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई सी बराबर ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b बराबर मल्टीप्लाई सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि यहां पर मैं ले 3 प्लस ब्रेकेट में 2 प्लस 4, ठीक है, या फिर मैं लू इस
एडिशन वाली मैं आपको बता रहा हूं, या फिर मैं लिख ब्रैकेट में 3 + 2 + 4, ठीक है, इस वाले कंडीशन के हिसाब से। तो यदि मैं इसका सम करूं तो क्या होगा, 3 + 4 और 2 कितना होता है, 2 + 4 6 होता है, इक्वल टू, यहां पर यदि मैं प्लस करूं 3 + 2 कितना होता है 5, और ये + 4 कितना होता है, प्लस करने पे 9 होता है और इधर भी होता है 9। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आंसर आपका दोनों में बराबर आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से यदि यहां पर एडिशन नहीं होके मल्टीप्लाई होता, ठीक है, ये वाला सेकंड वाला बता रहा हूं, तो क्या होगा, पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 3 × 2 = 4 कितना होगा 8, इक्वल टू इस ब्रैकेट के हिसाब से, इसके हिसाब से 3 × 2 = 6 होगा और इंटू 4 होगा, तो 3 × 8 कितना होता है 24, इक्वल टू यहां पर कितना होता है 6 × 4 = 24। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी और इक्वल टू के बाद आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है, ये समझ में आया। क्या करा, ए का बी में मल्टीप्लाई करा, ये ए का बी में मल्टीप्लाई, फिर इधर ए का सी में मल्टीप्लाई करा, ये ए का सी में मल्टीप्लाई करा, और बीच में ये जो साइन था वो हमने यहां पर लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 3 × 4 + 2, ठीक है, तो ये क्या होगा 3 × इसका इससे इंटू 3 × 4, बीच में यहां पर जो साइन दे रखा है, यदि यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 3 × 2, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिए तो जो भी होगा वो आंसर होगा, क्या 3 × 4 = 12 होता है प्लस 3 × 2 = 6 होता है, तो आंसर क्या होगा 12 + 6 = 18। ऐसे यहां पर आप मल्टीप्लाई करिए तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 4 × 2 = 6 होता है, तो ये तो ऐसा ही, और 6 × 3 = 18 होता है, तो ठीक है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। आगे मैं एक चीज और आपको समझाता हूं, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज का काम तो खत्म हुआ। एक और चीज इसमें मैं बताता हूं, 0 और 1 का के बारे में बताता हूं, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई विद 0 और 1। यदि हम 0 के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है, इसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पहले 0 से बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 7 में 0 का प्लस करूं तो क्या आएगा, 0 मीन्स क्या होता है, कुछ भी नहीं, मतलब 7 में कुछ भी नहीं प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। इसी तरीके से यदि मैं 7 में 0 को माइनस करता हूं तो क्या आएगा, 7 में कुछ भी हमने माइनस नहीं करा, कुछ भी माइनस नहीं करा तो एग्जैक्टली 7 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं 7 को मल्टीप्लाई करता हूं 0 से तो क्या आता है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो 7 का हमने कुछ भी से हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मली 0 में किसी का भी करता है तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 का मैं आपको बताता हूं, यदि 7 में हम 1 को प्लस करें तो कितना आता है 8,
सेवन में हम वन को माइनस करें तो कितना आता है सिक्स, यदि सेवन में हम वन का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है सेवन आता है। ठीक है, ये जीरो और वन के लिए मैं आपको समझा रहा था। इसी तरीके से एक और देखिए, यदि डिवाइड है, यदि जीरो कोई आ जाए डिवाइड में तो हमें कैसे उसको देखना है, मान लो लिखा है जीरो अपॉन टू, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो मीन्स क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी एक है उसको हमें दो भाग करना है, मतलब कोई चीज है ही नहीं उसके दो भाग होंगे ही नहीं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा उस कंडीशन में जीरो आ जाता है। ठीक है, इसका अपोजिट है, यदि यही होता टू अपॉन जीरो, टू में हम जीरो का भाग कर रहे हैं, मतलब जीरो क्या है कुछ भी नहीं, दो का हमें जीरो में भाग देना है, तो ये इन्फिनिटी कहलाता है, इस कंडीशन में क्या आता है इन्फिनिटी या फिर एन डी, एन डी, एन डी मीन्स नॉट डिफाइन, मतलब इसकी कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है होल नंबर, ये होता है इनकी प्रॉपर्टीज, जो चार प्रॉपर्टीज होती है, और ये होता है जीरो और वन के साथ हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो ठीक है, आपको समझ में आया वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।